हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 13। गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ अ रूम इज 65.14 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स ब्रेथ इज 5.7/16 मीटर्स, व्हाट इज इट्स लेंथ। ओके फ्रेंड्स, एरिया है रूम का गिवन है 65.14 मीटर स्क्वायर, इसे हमने चेंज किया है सिंपल फ्रैक्शन में, 65 × 4 = 260 + 1/4 मीटर स्क्वायर मीन्स 261/4 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। ब्रेथ गिवन है 5 × 7/16 मीटर मीन्स 16 × 5 + 7 = 87/16 मीटर। सो लेंथ ऑफ द रूम हो जाएगा एरिया अपॉन रूम अपॉन ब्रेथ, वैल्यूज पुट करेंगे 261/4 एरिया है डिवाइडेड बाय 87/16 ब्रेथ ऑफ द रूम, देन इसे सॉल्व करेंगे 261/4 डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, 87/16 को हमने इन्वर्स कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, या तो 16 अपॉन में 87 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, यहाँ पे 3 से हमने कैंसिल किया है, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 9 = 27, यहाँ पे करेंगे 3 × 8 = 24 बचेगा 2, 3 × 7 = 21, यहाँ पे हमने 29 से कैंसिल किया, 29 × 1 = 29 एंड 29 × 3 = 87, सो हमें यहाँ पे मिल गया 3 × 4 मीटर मीन्स 12 मीटर, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द रूम। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 × 3/5, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शंस इज 9 × 3/7 फाइंड द अदर। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले टू फ्रैक्शंस का जो प्रोडक्ट है गिवन है 9 × 3/5, इसे हमने चेंज किया है मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में, 9 × 5 + 3 मीन्स 48/5, वन फ्रैक्शन गिवन है 9 × 3/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 7 + 3 = 66/7, सो अदर फ्रैक्शन हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अपॉन में वन फ्रैक्शन, वैल्यूज पुट करेंगे, प्रोडक्ट है 48/5 डिवाइडेड बाई 66/7, सो इसे सॉल्व करेंगे 48/5 इंटू में हो जाएगा 7/66, इसे हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई पुट किया है। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे इसे 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, देन हमें यहाँ पे मिल गया 8 × 7/5 × 11 मीन्स 56/55, डिवाइड कर देंगे हमें मिल जाएगा 1 × 1/55, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। इस तरीके से अपने इस वीडियो में हमने 13 और 14 दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज 1G से रेशनल नंबर चैप्टर है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।